अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी थोड़ी सी किचन की शॉपिंग जो मैंने और की थी किचन के लिए जब मैं अपनी मम्मी के घर गई थी वहाँ से। और ये रह गया था, मैंने व्लॉग में नहीं डाला था। उसके साथ साथ मैं आपको अपने अबू के किचन गार्डन का भी टूर कराऊँगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। और उसके साथ साथ मैं शेयर करने लगी हूँ जी अपनी मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, जो कि एवरीडे और एवरीडे टू टाइम्स होती है मेरी, मतलब मॉर्निंग में और उसके अलावा जब इवनिंग में ट्यूशन के स्टूडेंट्स आते हैं मेरे, उससे पहले भी मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। रूम्स तो नहीं करती लेकिन लिविंग एरिया मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो ये एरिया, ये रूम जो है ना हमारा भी फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लीन करना था। सबसे पहले तो मैंने बेड वगैरह इसको क्लीन कर लिया। यहाँ पे कभी कभार बच्चियाँ खेलने के लिए आ जाती हैं, या मैं ज़्यादातर कपड़े वगैरह जब धोती हूँ तो उनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, फिर मैं उनको संभाल लेती हूँ बाद में। तो इस अभी फ़िलहाल समर्स में ये यूज़ नहीं हो रहा, दूसरे रूम को हम यूज़ करें। तो उसके बाद दूसरे रूम को क्लीन कर लिया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राउडी हुआ हुआ है फ़िलहाल। और बस यहाँ पर ना बच्चों की बड़ी इंटरटेनमेंट होती है कि कोई ना कोई नया काम जो है ना हमें मिल जाए, तो ये भी साथ ही थी। तो आजकल जो है ना समर्स हैं और अलीज़ा की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली थी, तो ये तब का व्लॉग बना हुआ था मेरा जिसको मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं सुबह सुबह के टाइम पे नाश्ते के बाद सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ, दोनों रूम्स को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से मैं इसको साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये मेरा लिविंग एरिया और इसकी कंडीशन इस तरह की होती है एवरी डे इन द मॉर्निंग। और मोस्टली ये होता है कि मेरी नाइट में जो है ना क्लासेस होती हैं, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको रात को दोबारा से क्लीन अप कर लूँ, फिर मुझे इनको सुलाना भी होता है, तो इसलिए ये सुबह पे आ जाता है। और ये सुबह बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ होता है, और ये सारी जो जगह है इसको मैं एक दफ़ा शाम को भी साफ़ करती हूँ, फिर भी जो है ना रात तक, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बच्चियाँ भी बाहर ही होती हैं, बाहर ही खेल रही होती हैं। और फिलहाल जब से मैंने अलीज़ा के होमवर्क कम्प्लीट करने के लिए कटिंग्स वगैरह की हैं, इनके सामने ही थी तो इन्होंने कटिंग्स कर करके कॉपीज़ का जो है ना काट काट के उन्होंने ढेर लगाया हुआ होता है। रोज़ाना काफ़ी सारा जो है ना पेपर का कचरा होता है, जो कि मुझे पेपर्स उठाने पड़ते हैं। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि आइजल पेपर के साथ ही लगी है, थोड़ी देर के लिए वो कुछ ना कुछ लिखती है और उसके बाद फिर उसको कट कर देती है। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें पहले समेटती हूँ, उसके बाद फिर मैं सफ़ाई कर लेती हूँ और उसके बाद मोपिंग वगैरह करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो वीडियो शूट किया ज़रा सफ़ाई तक की है, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस ख़त्म हो गई थी और जो मोपिंग की थी वो रह गई वीडियो मेरी। और बस इस तरह से सारी जो है ना मैंने चीज़ें यहाँ पर समेट ली हैं। और उसके बाद ये एक बेड मैंने यहाँ पर रखा हुआ है लिविंग एरिया में, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके साथ साथ डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर भी, और साथ आसपास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सबसे पहले मैं उठाती हूँ। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में ही लगता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं सुबह तक, और इनकी इंटरटेनमेंट कभी टॉयस के साथ होती है और कभी एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ होती है। तो यहाँ पे जो है ना वो सब चीज़ें मैंने समेट ली थी। आइजल को मैंने उठाया और उसने लकीली मेरी बात सुन ली और फटाफट से उठ के ना उसने बेड की चादर मुझे सेट करने दी है। और यहाँ पर देखिए चीज़ें एक्स्ट्रा सारी मैंने हटा दी हैं। अब उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, रूम्स का सारा मैंने निकाल लिया था कचरा वगैरह, अब सारी लिविंग एरिया को साफ़ कर लूँगी। और किचन जो है ना फिर उसके बाद मैं साफ़ कर लेती हूँ। किचन में डस्टबिन रखा हुआ है मैंने, उसी का कचरा मैं वहीं पर डाल देती हूँ तो इजी हो जाता है। तो वीडियो जो है ना वो उसके बाद मोपिंग की नहीं है इसमें, और यहाँ तक बस मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। और इस तरह से काफ़ी सारा टाइम जो है ना लग जाता है सुबह सफाई में, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इंसान जो है ना पसीने से शराबूर हुआ हुआ होता है इस टाइम पे। और एक बात जो मैं आपको बताऊँ कि हेल्पर्स भी अगर आप घर में रखते हैं ना, तो कोई भी बंदा जब तक आप उससे नहीं करा रहे हो, एक अगर कोई आपको बहुत लॉयल बंदा मिल गया तो आपको कोई अच्छी सफाई कर देगा, वरना कभी भी नहीं करके देते हैं। जब भी उनको कहो और आप आगे पीछे हो जाओ तो वो काम कभी भी नहीं किया होता। और एज इट इज़ मेरे साथ भी होता है। वैसे मैं अपने घर में, मतलब मेरे पोर्शन के लिए तो हेल्पर नहीं है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में जो हेल्पर आती है वो भी इसी तरह से डंडी मारती हैं, और हर दफ़ा ही मारती हैं। तो मेरा तो एतबार ही उठ गया हेल्पर से, और मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हिम्मत दे तो इंसान खुद कर ले, या घर में एक दो बंदे हों। जैसे अब मैं घर में सिर्फ एक हूँ तो दोनों पोर्शंस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नीचे वाले पोर्शन के लिए सफाई के लिए रखी हुई है। तो अगर दो बंदे हों तो आराम से सफाई हो सकती है, तो ये काम खुद करना चाहिए। एक तो इंसान की सेहत अच्छी रहती है, थोड़ा चलता फिरता रहता है इंसान, और दूसरा ये कि आप काम अच्छा सफाई से कर सकते हैं, क्योंकि हेल्पर्स पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती हैं।
और उसके अलावा जो है ना उनकी बहुत सारी फरमाइशें भी होती हैं। अच्छा यहाँ पे बस मैंने आइज़ल को साथ लगाया कि आइज़ल आप मेरे साथ टाइडी अप करो, इसको मैं साथ बोल देती हूँ और ये खुश होती है टाइडी अप में। और अलीज़ा बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराती टाइडी अप में, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो ज़बरदस्ती उठाती है, अगर कभी उठा भी दे अलीज़ा आइज़ल मेरी हेल्प कर देती है। तो यहाँ पे बस आइज़ल मेरी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे ये टॉय एरिया है, सारे टॉयज़ मैंने इस बॉक्स में डाल के रखे हुए हैं इनके, और ये मैंने एक साइड पे सेट कर दिया है। अब उसके बाद बाकी की क्लीनिंग मैं कर लूँगी। तो ये थी जी मेरी क्लीनिंग रूटीन, और उसके बाद मैं मोपिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्लीनिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद किचन में मैं आई थी, रात के धुले हुए बर्तन सारे मैंने सिंक से ड्रेनर रैक से निकाल दिए हैं, और ये सारे देखें यहाँ पे बेकिंग वगैरह के भी जो बर्तन मैंने बनाए थे, कपकेक्स वगैरह, वो भी मैंने सारे धो के रखे हुए थे रात के, बच्चे से ड्राई हो चुके थे, तो अब मैंने इनको निकाल दिया और अब मैं इनको संभाल दूँगी। अच्छा छोटे किचन में या अगर आपके पास स्टोरेज स्पेसेस कम है तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दफ़ा आपको मैं तो इवन नहीं कोई रेसिपी ट्राई करने के लिए सोचती हूँ कि मुझे फिर बर्तन से निकालने पड़ेंगे वहाँ से और फिर रखने पड़ेंगे, तो काफ़ी मसला हो जाता है। अच्छा यहाँ पे मैं जब घर गई थी तो मैं अपने अबू के किचन गार्डन में गई थी। यह माशाल्लाह से उनका किचन गार्डन और बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है उनकी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा है। यहाँ पे देखिए फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं, और उसके अलावा लेमन्स थे वो भी मैं वहाँ से लेके आई हूँ, और इस तरह से पौधे लगे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये कि अबू मेरे जो है ना माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस किचन गार्डन के साथ। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा विज़िट किया था, मुझे खुद बहुत पसंद है, मुझे किचन गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। मेरी मम्मी को डेकोरेशन वाले पौधों का बहुत शौक़ है, और वो मुझे कहती हैं कि इस तरह के पौधे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे फ्रूट्स के और फ्रूट से भी ज़्यादा सब्ज़ियों के पौधे अच्छे लगते हैं। और मेरे अबू ने भी जो है ना किचन गार्डन में मोस्टली सब्ज़ियों के ही लगाए हुए, तो वहाँ पे मैं गई थी और थोड़ा सा जो है ना मैं वहाँ पे सब्ज़ियाँ वगैरह भी मैं साथ लेके आई हूँ। अच्छा उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ी सी किचन की शॉपिंग भी करके आई थी, और मोस्टली मेरी शॉपिंग में किचन की शॉपिंग होती है, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा मेरे व्लॉग्स में। तो ये मैंने कप्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे इस तरह के ना छोटे साइज़ के कप्स में गीगा मॉल से लेके आई थी, तो वहाँ पे बड़े साइज़ के मुझे मिले नहीं, यहाँ पे मुझे मिल गए थे, तो ये मैंने ले लिए, क्योंकि अभी तो समर्स हैं, इतनी ज़्यादा चाय पीने का दिल ही नहीं करता, लेकिन विंटर्स में ना हम लोग मग्स में चाय पीते हैं, तो ये मुझे ब्लैक कलर में और बिल्कुल सेम मतलब सेट बन गया था, तो मैंने ये दो ले लिए। उसके बाद मैंने हैंड वॉश लिया, हैंड वॉश मेरा ख़त्म होने वाला था, और उसके बाद ये मसाला बॉक्स लिए बेसिकली मुझे टी के लिए, ग्रीन टी के लिए, या मैं जो आजकल वेट लॉस टी पी रही हूँ उसके लिए मुझे इन्ग्रीडियंट्स चाहिए जो मैंने इसमें रखने हैं, तो वो सारे मैंने इसमें रख दूँगी। और उसके अलावा मैंने ये रैक्स लिए हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और ये टू कलर्स की लिपस्टिक्स हैं, टू इन वन है, ये लिपस्टिक्स प्लस ग्लॉस हैं, ये मैंने लिए हैं। ये कलर्स थोड़े से डिफरेंट शेड में थे मेरे पास, ये सेम कलर में नहीं थे, तो ये मैंने लिए। अच्छा उसके बाद ये दो रैक्स लिए वहाँ से मैंने, और बड़े हेल्पफुल हैं, मैंने किचन में काफ़ी जगह पे इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रखा हुआ है। मैं आपको शो भी करूँगी कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया है। तो एक को तभी फ़िलहाल मैंने यूज़ कर लिया था मेडिसिंस वगैरह रखने के लिए, और दूसरे को मैंने अंडर सिंक रैक बना लिया है, मतलब इसमें मैंने सारी जो भी मेरी वॉशिंग की चीज़ें हैं, कपड़े धोने की और किचन वॉशिंग की, ये सारी मैंने यहाँ पर रख दी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सारा जो एक्स्ट्रा किचन का वॉशरूम का है वो मैंने सारा इस पर रख दिया अरेंज करके। अच्छा उसके बाद ये मैंने बेकिंग के लिए थे, ये 6-7 इसके हैं हेड्स हैं, और उसके साथ रिफिल है, मतलब डेकोरेशन वगैरह करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं केक की, तो ये मैंने लिया था वहाँ से। उसके साथ ये मैंने मैट लिया, बड़ा प्यारा सा कलरफुल सा मुझे मैट मिल गया था, फ्लोर मैट, मुझे डोर मैट के लिए चाहिए था, क्योंकि हमारे ना सामने वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो डोर मैट में मैं वैसे भी रखती हूँ, लेकिन जो मेरा पहले वाला मैट था ना उसका थोड़े से कोने मुड़ गए थे, तो वो डोर में ना स्टक हो जाते हैं, तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि मैं आपको बताई थी सामने वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो जो भी बच्चे वगैरह आते हैं ट्यूशन के भी, तो उनके पाँव के साथ अच्छी खासी रेत लगी होती है, तो ये मुझे रखना है, क्योंकि सबके पाँव के साथ जो भी रेत वगैरह आती है तो थोड़ी सी जो है ना उससे बचत हो जाएगी। अच्छा उसके बाद ये मैंने बाउल लिया, साइज इसका बहुत अच्छा है, शेप इसकी बहुत अच्छी है, और इसका मटीरियल भी बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैंने बाउल ले लिए। और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, और मुझे जो चीज़ इस तरह से अच्छी लगती है, डिफरेंट लगती है, वो मैं ले लेती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ और वो मुझे ना मिले तो मैं पछतावे से बच जाऊँ कि मैंने क्यों नहीं ली, तो ये रिग्रेट ना हो मुझे। और ये चीज़ें काम आ जाती हैं किचन में अक्सर जो है ना, हम लोग इसको किसी भी काम के सोख वगैरह करने के लिए, चावल वगैरह को उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये अलीज़ा आइज़ल ने अपने लिए ले लिया था, उसने खुद ही चूज़ करके ये किचन सेट लिया है। और बस यही थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मैंने वहाँ से की थी।
खाने में आज बना था जी चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस, और इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने लेटेस्ट वीडियो में शेयर की हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनता है और मैंने बहुत इजी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। फुल फ्लैश रेसिपी सब इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और मैंने सिर्फ रेसिपी को इसीलिए शेयर किया हुआ है ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे, कोई मुश्किल ना हो। तो सब स्टेप्स के साथ मैंने शेयर किया हुआ है। इसकी मैं एक छोटी सी क्विक सी रेसिपी भी आपके साथ बना दूँगी ताकि आप लोगों को बहुत क्विक सी रेसिपी में ईजी से आप बना सकें। तो बहुत ईजी सी ये रेसिपी है और थोड़े स्टेप्स हैं इसके, लेकिन ये कि बहुत मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन हो रही थी और उसके बाद मैंने आपके साथ सारी डिटेल में इसकी कटिंग्स, जो मतलब वेजिटेबल्स की टिपिकल कटिंग होती है मंचूरियन के लिए, वो भी शेयर की हुई है कि आप किस तरह से इसको काट सकते हैं, और बिल्कुल सेम शेप में जैसे आपको होटल्स वगैरह में मिलती है, रेस्टोरेंट्स में मिलती है, तो बिल्कुल सेम शेप में आप कैसे काट सकते हैं, तो ये सारा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।